लखनऊ में पंतनगर, खुर्रमनगर, अबरार नगर समेत कुकरैल नदी किनारे बने मकान अब नहीं तोड़े जाएंगे। दरअसल अब कुकरैल नदी के 35 मीटर दायरे में ही विकास कार्य किया जाएगा। वहीं लोग इस मामले में सरकार से ठोस आश्वासन के साथ लिखित आदेश की मांग कर रहे हैं। लोगों से बात की संवाददाता निखिल शर्मा ने। कल भी हमने आपको अकबर नगर की तस्वीर दिखाई थी, लेकिन आज कुछ परिस्थितियां बदली हुई हैं। यही वो मकान है जिस पर क्रॉस का निशान लगा हुआ है, और यहां से लेकर जो कुकरैल नदी है वहां तक जितने मकान हैं सब पर जो है निशान लगाए गए हैं। इन्हीं सबको तोड़ा जाना था। एलडीए ने तय किया था कि ये जो इमारतें बनी हैं, जो मकान बने हुए हैं, दरअसल वो नदी जो कुकरैल नदी है उसकी जमीन पर बने हुए हैं, जिसके बाद से आसपास के लोग लगातार विरोध कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके तीन तीन मंजिले मकान बने हैं और 30-35 सालों से वो कम से कम इस इलाके में रह रहे हैं। लेकिन अब ये खबर है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण इन मकानों को ध्वस्त नहीं करेगा। उसके पीछे कारण ये है कि उसने तय कर लिया है कि मैं 35 मीटर जो कुकरैल की जो जमीन है उतने में ही डेवलपमेंट का काम किया जाएगा, रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। यानी ये जो खबरें इस तरह से लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से आ रही कि इन मकानों में रहने वाले जो लोग हैं उनको राहत मिल सकती है। कई लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अब तो एलडीए ने ये कहा है कि इस मकान को वो तोड़ेगा नहीं, 35 मीटर के दायरे में बनाएगा। अभी हमें कोई लिखित तो कोई प्रमाण मिला नहीं है, ना पेपर में आया है, ना कहीं न्यूज में आया है, सिर्फ यूट्यूब पे दे रहे हैं। यूट्यूब की क्या है, उसके कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हमें जब तक पेपर में नहीं आएगा तब क्या विश्वास कर लें कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और लिखित प्रमाण भी कोई नहीं है भाई, पेपर में आए तो लिखित प्रमाण हो जाए भाई, ना लेके दो मापदंड लेना चाहिए बराबर, कि जितना इधर ले उतना उधर ले ले तो ठीक है, लेकिन अब एक तरफ ले रहे तो ले ही नहीं रहे, इसका मतलब क्या है। हमारा कहने वाला सरकार से यही गुजारिश है कि हम लोग का मकान न तोड़ा जाए और सीमित समय सीमित जगह पर कार्य कर लिया जाए, वो बेहतर रहेगा। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया लखनऊ विकास प्राधिकरण को कि जो नदी के किनारे आसपास के डेवलपमेंट का काम होना है उसका दायरा इतना रखा जाए कि मकान जो है वो न टूटे। तो एक तरह से मुख्यमंत्री को आप जो है की बात को गंभीरता से आप तो कम से कम लेंगे। सर, गंभीरता से तब लेंगे जब हमें वो लिखित देंगे कुछ, तभी हम उस चीज को मानेंगे, अन्यथा हम कैसे मान लें कि उन्होंने जो कहा है वो सही है। तो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तीन मंजिला मकान बना हुआ है और लोग दहशत में हैं, अपने घरों के सामने बैठे हैं और इस बात का इंतजार कर रहे थे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण और इसके साथ ही सरकार की तरफ से कोई पहल हो। लेकिन अब जो खबरें आ रही है उस हिसाब से तय किया गया है कि जो चौड़ीकरण है, जो नदी का जो सौंदर्यीकरण है, ये जो बगल में जो कुकरैल नदी बह रही है, बंधा जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उससे ठीक पहले, उसका जो चौड़ीकरण 35 मीटर तक किया जाएगा। तो अगर 35 मीटर तक चौड़ीकरण किया जाता है तो निश्चित तौर पर बहुत सारे मकान जो है वो बच जाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि इक्का दुक्का मकान उसके बाद भी जद में आएंगे, चूंकि लंबाई बहुत है कुकरैल नदी की। तो ऐसे में आप कम से कम थोड़ी राहत जरूर इस कॉलोनी के लोग जो है वो महसूस कर रहे हैं, लेकिन संशय अभी भी मन में बना हुआ है कि अभी तक कोई लिखित आदेश नहीं है। हालांकि जब कोई नोटिस नहीं मिली थी इनको कोई लिखित कि ये मकान तोड़े जाएंगे, तो ऐसे में लिखित आदेश भी इसका मुश्किल है कि जो है वो दिया जाए कि आपके मकान नहीं तोड़े जाएंगे। लखनऊ से उड़न नजदीक पुराना के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।